ओह दिमाग तो आज शॉर्ट हो गया होगा सारिम का। यार वैसे तुमने भी आखिर हरकत कर ली आज तो। बस तो लंच करवा दूंगा ना उसे। लंच की तो ऐसी की तैसी फिर गई। और वो देख तेरा रकीब आ रहा है गर्दन लटकाए। ओह सलाम अलैकुम सर। वो नेहा आपके साथ थी ना, मैं एक्चुअली घर जा रहा हूँ तो सोचा था उसको ड्रॉप कर दूं। उसे तो मैं घर छोड़ आया, कोई काम था। एक्चुअली मैं आपसे एक टॉपिक समझना चाह रहा था, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो। यार कल ऑफिस आ जाना, विल डू इट राइट नाउ, आई एम नॉट फीलिंग गुड। इट्स ओके, फील बेटर, होप यू अंडरस्टैंड। आई विल सी यू गाइस, थैंक यू। राइट नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट, होप यू अंडरस्टैंड। सरमत बता रहे थे तबीयत ठीक नहीं, साशा शॉर्ट ब्रेक लेकर आई है घर। अरे उसके शॉर्ट ब्रेक की वजह से मेरा दिमाग शॉर्ट हो गया है। हेलो जी, एक बात सुने, यानी बच्ची आपसे कुछ भी कहेगी तो आप मान लेंगे? अरे ना घर वालों से पूछा, ना माँ बाप से पूछा, ना कोई उन्हें घर से पिक करने आया, आपने बच्ची को रवाना कर दिया। ये एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें, वो दद्दू हैंडसम की पोती है, अगर मैंने कुछ सोशल मीडिया पे बोल दिया ना तो तूफान आ जाएगा, तूफान। लो अपनी सेल्फ प्रमोशन की दुकान फिर खोल ली इन्होंने। दद्दू कम टू द पॉइंट। अरे क्या पॉइंट पॉइंट लगा रखी है भाई, जरा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो है? मैं अभी इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे डालता हूँ एक वीडियो बनाकर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग गई कहाँ हैं। कुछ तो जिक्र किया होगा उस मिले की बच्ची ने घर में। रात को दोनों बैठ के ना कानों में कुछ बातें कर रही थी। अपने अब्बा को फोन करो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्लास में होंगे, इस वक्त नहीं उठाएंगे फोन। अब मैं सरमत को कॉल करती हूँ कि स्कूल जाके देख कर आए जरा। उसे कहो मुझे भी साथ ले जाए, सेलिब्रिटी साथ जाएगी ना तो प्रेशर पड़ेगा। अरे प्रेशर कुकर ही ले जाए साथ। अरे तुम तो बोल रही माता, यहाँ दिल बैठा जा रहा है उनको प्रेशर देने की। हाँ बिल्कुल परेशान मत होना, अब जाके अपनी अम्मी को तसल्ली दें। मैं स्कूल जा रहा हूँ चेक करने के लिए, मैं बताता हूँ फिर। ओके ओके बाय। स्कूल जाने से क्या होगा, अरे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। पता नहीं कहाँ ख्वार हो रही होंगी दोनों। तुम तो मानो या ना मानो, जरूर ये ज़ॉम्बी वायरस ही वर्गला के लेके गई है हमारी मासूम मिली को। हाँ नहीं तो मैंने खुदा का वास्ता माँ के सामने बात मत कर दीजिएगा। अरे यार तुम जाओ, कहाँ उलझ रहे हो औरतों से। हाँ जी। अच्छा बाबा वो गैस का रेस्टोरेंट का बिल पे कर दीजिएगा, प्लीज पैसे दे दीजिएगा, आज लास्ट डेट। हाँ करा दूंगा, बिल का है वो अपना मेरे कमरे के ड्रॉअर में पड़ा हुआ है, मैं ला देता हूँ। नहीं नहीं मैं खुद ले आऊंगा, बच्चियों की परेशानी हो रही है। आदम को तो फोन करके बताओ दोनों बच्चियों के बारे में। क्या होगा उसको बताने से, कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ ना, मैं दादू के साथ स्कूल जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ फिर। उस डिस्को बुढ़े को मत लेके जाना साथ, वहाँ जाके अपनी शोखियाँ मारनी शुरू कर देगा। बस आप दोनों दुआ करें कि बस मिल जाए, मैं जा रहा हूँ। या अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत कर। बच्चों को तो ऐसे कटारे खाने का शौक होता है कि दरख्त पे तो नहीं चढ़ गई। सुरमे की बातें कर रहे हो ना तुम लोग? नहीं सारे सुरमे कौन है? हाँ हाँ वही, हम दोस्त यार तो हमेशा उसे सुरमा ही कहते थे। अच्छा यार तुम नाम को छोड़ो, तुम एक काम करो उसकी सर्च हिस्ट्री खोलो और देख, कोई चीज छोड़नी नहीं है, किसी का जिंदगी भर का मामला है। बहन के लिए आया क्या प्रपोजर? अस्तगफरुल्लाह। अच्छा देखो रिश्ता जिसका भी जा रहा हो तुम एक काम करो उसके करतूत बताओ और देखो, तुम्हें टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मेरे नाम को छोड़ो, उसकी गारंटी के लिए सिर्फ इतना काफी है कि अगर मेरी सगी बहन के लिए भी उसका प्रपोजर आता ना तो कसम खुदा की आंखें बंद करके हाँ कह देता।